उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों को योगी सरकार की ओर से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्हें विधायकों और सांसदों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए इस बात की सीख दी गई है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी मंत्री सांसद के आने पर उनका खड़े होकर अभिवादन करना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि किसी भी कार्यालय में या पब्लिक जगह में यदि कोई विधायक सांसद आते हैं तो सभी अफसरों कर्मचारियों को उनके सम्मान में खड़ा होना होगा। राजीव कुमार ने इसके लिए सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को खत भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सभी विधायकों और सांसदों के फोन कॉल को जरूर रिसीव करें और यदि वे बैठक में हैं तो बैठक के बाद उनको कॉल बैक करें। चीफ सेक्रेटरी ने पत्र में विशेष तौर पर यह भी कहा है कि कोई भी अधिकारी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनेगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर जन प्रतिनिधियों का सम्मान करें, किसी भी प्रकार का बहस उनसे ना करें, उनके आने पर उन्हें जलपान हेतु व्यवस्था कराई जाए, उनके जाते वक्त उनके सम्मान में गेट तक विदा करने जाएं। दरअसल पिछले दिनों विधायकों और मंत्रियों ने अफसरों की मनमानी की शिकायतें की थी और कहा था कि यूपी के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर सांसदों मंत्रियों और विधायकों को अपमानित किया जा रहा है। आईजी डीएम और एसपी अक्सर सांसदों विधायकों के साथ सलीके से पेश नहीं आते, उन्हें सम्मान नहीं देते। इसमें उन मामलों का भी उल्लेख किया गया जिसमें अधिकारियों ने विधायकों और मंत्रियों से बात होते वक्त की तस्वीरें वायरल करा दी थी। इसको विधायकों ने गंभीरता से लिया और कहा कि ऐसे अधिकारियों के कृत्यों से सरकार की छवि खराब हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।